हेलो दोस्तों, आज हम आपको ग्रॉस सैलरी वाली टेबल कराने जाएंगे। आई होप आपको मेरे इससे पहले वाली वीडियो पसंद आई होगी। आज हम आपको यहां पर एक टेबल करवा रहे हैं जिसमें सीरियल नंबर, नेम, सैलरी डाली हुई है और यहां पर डीए हमने 8% दिया है, एचआरए 5%। अब इन तीनों पर हम क्या निकालेंगे, ग्रॉस निकालेंगे, फिर पीएफ और फिर नेट सैलरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इक्वल प्रेस करके सैलरी की रेंज दे देनी है और उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना है 8% को। यहाँ पर हमने 8% डाला और एंटर कर दिया। अब इसको क्या कर लेंगे, हम ड्रैग कर लेंगे सेम एज इट इज। ऐसे ही हम एचआरए को निकालेंगे तो हमें क्या करना है, इक्वल प्रेस करना है, सैलरी की रेंज देनी है और इनटू करके 5% जो हमने एचआरए दिया हुआ है निकालेंगे, 5% और इनटू नीचे इसको क्या कर लेंगे, हम ड्रैग। अब हम ग्रॉस निकालते। ग्रॉस क्या होता है कि हमें सम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट। अब इसमें हमें सैलरी, डीए, एचआरए तीनों को क्या देनी है, रेंज देनी है, बंद करना है, एंटर प्रेस कर देना है। अब ये हमारी टोटल ग्रॉस सैलरी आएगी। नीचे ड्रैग कर लेते हैं अभी हमारी टेबल को। अब उसके बाद हम क्या निकालेंगे, पीएफ निकालेंगे। तो इक्वल सैलरी की रेंज मल्टीप्लाई। अब आपको जितना भी अपना पीएफ कटवाना है उस हिसाब से, मान लो मैंने 3% डाला और एंटर प्रेस कर दिया। अब इस लॉजिक को नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं सेम एज इट इज़। अब यहीं पर ही हम क्या निकालेंगे, नेट सैलरी निकालेंगे। तो क्या करना है, हमें इक्वल ग्रॉस और माइनस कर देना है पीएफ को, प्रोविडेंट फंड को। अब इसको क्या कर लेना है, नीचे ड्रैग कर लेना है। अब आप सब देख रहे होंगे कि हमने सैलरी का डीए, एचआरए और ग्रॉस और पीएफ और नेट सैलरी बिल्कुल आसान तरीके से निकाली है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट माई चैनल।